नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह राठौड़, HOD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। मैं आपको EE-307 पावर सिस्टम सेकंड के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 8th चैप्टर है, जिसमें अभी पिछली दो क्लासेस में हमने सर्वे ऑफ एलटी लाइंस, प्लानिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एंड मेथड्स ऑफ इरेक्शन ऑफ सपोर्ट्स तक पढ़ लिया है। आज का जो लेक्चर है इसमें हम 8.4 इरेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, तारों को खींचना, लेइंग आउट ऑफ कंडक्टर्स, और 8.5 रेजिंग एंड सेटिंग ऑफ पोल्स, गाइड्स, स्टेज, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले थोड़ा जो लास्ट क्लास पे पढ़ा था हमने सब ये इरेक्शन ऑफ सपोर्ट्स, तो इनके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट्स सावधानियाँ हमें रखनी पड़ती है वो भी पहले हम डिस्कस कर लेंगे। जनरल जो स्टेप्स फॉलो करते हैं हम टावर इरेक्शन पे, लास्ट क्लास में हमने दो मेथड्स पोल के खड़े करने के लिए किए थे, डेडमैन्स मेथड और टेरिक पोल मेथड। अब इसकी में जो जो नॉर्मली सावधानियाँ हमें रखनी पड़ती है, क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो आपको देखने हैं। पहला है, कोई भी टावर इरेक्ट फाउंडेशन पे नहीं होना चाहिए 10 दिन पहले, आफ्टर कॉन्क्रीटिंग। कॉन्क्रीट करने के 10 दिन से पहले नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेस है वो कमज़ोर रह जाएगा। अभी हम ये जो बातें कर रहे हैं वो टावर के बारे में, हाई ट्रांसमिशन लाइन HT लाइन के लिए जो काम में ले रहे हैं उसके लिए काम में लेते हैं। आपको जो डायगोनल्स हैं उनकी करेक्टनेस इसमें चेक करनी है, और जो ड्राइंग हमने दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग टावर्स को इरेक्ट करना होता है, और असेंबली ऑफ टावर पार्ट्स, क्योंकि स्टील टावर्स हैं अलग अलग पार्ट्स में आएंगे, तो जैसे ड्राइंग कर रखी है और जो जो मार्क्स इसमें दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें करना है। डिमेज नहीं हुए गैल्वनाइज जो स्टील है वो, इसका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। अनड्यू स्ट्रेस किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि डिफेक्टिव फैब्रिकेशन हो सकता है, डिफेक्टिव फाउंडेशन हो सकती है, या डिफेक्टिव इरेक्शन मेथड हो सकता है, उससे ये डिमेज हो सकते हैं। तो जो भी हमारा था मेटेरियल परचेज किया हुआ उसको आप पहले वेरीफाई कर लें कि ये पर्टिकुलर टावर खड़ा करने के लिए कौन कौन से चाहिए आपको, वो सब एक जगह कलेक्ट करना है और उनको कंप्लीट सेक्शन के साथ आपको उस जगह तक पहुंचाना होता है। इनको ग्राउंड पे सीरियली लिख देते हैं ताकि इरेक्शन के जो सीक्वेंस रहेगा उस टाइम आपको कोई भी तरह की दिक्कत इसमें नहीं हो। जब टावर इरेक्ट करते हैं तो कुछ सावधानियाँ रखनी होती है, लोडिंग और अनलोडिंग करें टावर के जो पार्ट्स हैं उनको, तो सिस्टमेटिकल ढंग में उनको स्टैकिंग करनी है, जो पहले सामान चाहिएगा वो इजीली अवेलेबल है और लास्ट वाला बाद में अवेलेबल हो। तो स्टैकिंग इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, किस ढंग से इसको रखें। सूटेबल ग्लूस पहने हुए रहने चाहिए, क्योंकि ये सभी जो पार्ट्स हैं वो केयर के साथ हैंडल करना ज़रूरी होता है उसमें। क्लियर आपको कम्युनिकेशन रहना चाहिए जो जो टॉप पे काम करने वाले हैं इसमें और जो नीचे वर्कर है उन सब के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। लिफ्ट, टूल्स, टैकल्स, ये सब भी जैसा जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। जहाँ पे डायरेक्ट पोल की ज़रूरत पड़ती है टावर इरेक्शन से पहले, तो पहले से करके रखें कितनी स्ट्रेंथ का चाहिएगा डायरेक्ट, वो सब हम इसमें काम में लेंगे। इसके अलावा जीन पोल चाहिए तो वो भी पहले आपको करके रखने हैं, और रॉप अलग अलग साइज़ की चाहिएगी, 25 mm, 20 mm और 32 mm लिफ्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें हमारे पहले से होनी चाहिए। और ये और ध्यान रखना कि जो रॉप है उसकी कंडीशन आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। नॉर्मली 5 ऑपरेशन के बाद उसको कंडीशन चेक करते हैं, अगर ये गल गई है तो फिर उसको हटाना होगा, नहीं तो उस टाइम जब टावर इरेक्शन होता है उस टाइम एक्सीडेंट हो सकते हैं इसमें से। प्रॉपर जो अप्रोप्रियट साइज़ के नट और बोल्ट हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग, वो सब हमें अरेंज करके पहले से रखने हैं। बारिश के दिनों में इसको हमें नहीं खड़ा करना है, दिक्कत रहती है इसमें। बहुत ज़्यादा बादल वगैरह हो तो भी हम इसमें नहीं करेंगे, आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, ऐसी कंडीशन है उस टाइम भी हम ये वर्क नहीं करेंगे। जो भी वर्कर्स हैं उन सबको प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, ये सब पहने हुए होने चाहिए। क्लाइंबिंग जो टावर है उसमें सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत रहती है, तो वो भी वो पहन के रखें। ये सब चीज़ें हमें टावर इरेक्शन पे ध्यान रखनी होती है। ये हमें कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन देखें क्या क्या कंपोनेंट हैं। एक साइट का प्लान आपको इसमें देखा रखा है,
सबसे ऊपर जो वायर दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड वायर कहलाता है। टॉप मोस्ट जो है वो ग्राउंड वायर रहेगा, बाकी ये सभी कंडक्टर्स हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो इंसुलेटर्स हैं, ये वाला इंसुलेटर्स हैं। फिर जो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन को इनको कनेक्ट कर रहा है वो जम्पर कहलाता है, ये जम्परिंग है इसमें। दूसरे एंगल से और इसको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या रहेंगे। ये डैम्पर्स हैं इसमें, ये वाली क्रॉस आर्म्स है जहाँ पे स्ट्रिंग इंसुलेटर के स्ट्रिंग्स लगे हुए। ये टॉप मोस्ट वाला जो है वो अर्थ वायर है। ये दो कंडक्टर एक ही सर्किट के हैं, उनके बीच में गैप करने के लिए स्पेसर कहलाता है इसमें। ये दोनों कंडक्टर्स हैं, ये इंसुलेटर के स्ट्रिंग्स हैं। इंसुलेटर ये कम्प्लीटली टावर कहलाता है। टावर की जो एसेसरीज हैं वो यह डेंजर बोर्ड, खतरा का बोर्ड नीचे लगा हुआ रहेगा ताकि कोई भी उस पर चढ़ने की कोशिश नहीं करे। नंबर प्लेट लगा देते हैं कितने नंबर का टावर है, फेस प्लेट लगा देते हैं, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस बार्ड वगैरह से लगा देते हैं कोई इस पर चढ़ नहीं पाए। इसमें बोल्ट्स रहते हैं इस साइज़ के, बर्ड गार्ड्स रहते हैं सस्पेंशन टावर पे, और हैंगर रोड्स रहती है। अब हम आगे देखते हैं इरेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, लेइंग आउट कंडक्टर्स। जो खम्भे खड़े कर दिए गए हमने, टावर्स जो हमने खड़े कर दिए उन पे तारों को बिछाना होता है, कंडक्टर्स को बिछाना होता है। ये इरेक्शन ऑफ कंडक्टर या फिर इसको लेइंग आउट कंडक्टर कहते हैं। तो पहला काम क्या होगा, जब पोल्स खड़े हो जाए अपनी जगह पे और कंप्लीटली अलाइन हो जाए उसके बाद हम ये काम करेंगे। फाउंडेशन है वो बहुत हार्ड होनी चाहिए और रोप वगैरह भी टाइट रहना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडक्टर से वो नॉर्मली ड्रम में सप्लाई किए जाते हैं इरेक्शन साइड पे। तो स्मॉल क्रॉस सेक्शन जो कॉइल्स हैं वो आपको उस जितनी आपको रिक्वायरमेंट रहती है उसके अनुसार उस पोल्स जो रील है उससे हमारे को इसको बाहर निकालना होता है। ये एक डायग्राम में बता रखा कि किस ढंग से ये ड्रम रहेगा, ठीक है, रील है ये एक्चुअली इनकी। यहाँ पे इसको एक नंबर जो है वो रॉप का ड्रम है, ये ड्रम है जिस पे ये लगा हुआ है, कंडक्टर लपेटा हुआ रहता है। ये दो नंबर जो है वो जैक है, एडजस्टेबल जैक है, इसको ग्राउंड से थोड़ा ऊंचा करके रख रखा है। और ये यहाँ पे ब्रेक है इसका, 3 नंबर लिवरेज ब्रेक है। जो रॉप का जो ड्रम्स हैं उनको जैक्ट अप कर ले देते हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं वो डिमेज होने के चांसेस उनके थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ड्रम से बाहर निकालें तो सावधानीपूर्वक रख निकालते हैं इसमें से। जैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं हम हाइट से, और सॉलिड स्टील एक्सल भी इसमें काम में ली जाती है। रोटेशन ऑफ ड्रम है वो बढ़िया ढंग से रहे तो एक्सल को ग्रेस वगैरह करके रखते हैं दोनों बियरिंग पॉइंट्स के ऊपर। हॉरिजेंटल पोजीशन पे रखना इस ड्रम को, ये आपको ध्यान रखना, कुछ सेंटीमीटर्स ऊपर रखते हैं ग्राउंड से इसको, और परफेक्ट हॉरिजेंटल पोजीशन पे रखते हैं। दो मेथड इसमें काम में लेते हैं, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं उनको इससे बाहर निकालना, पुलिंग करना है उसके लिए। तो एक तो होता है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर्स को ग्राउंड पे लैंड कर दें, और दूसरा होता है कि इसको ऑफ द ग्राउंड ऊंचा रखा जाए इसको। जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं स्टील या कॉपर, उनको तो आप ग्राउंड पे भी ट्रैक कर सकते हो, लेकिन जो एल्यूमिनियम के हैं उनके लिए परमिट नहीं होता। उसके लिए फिर इसको ऑफ द ग्राउंड रखना पड़ता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम वाला है वो जल्दी डिमेज हो सकता है, इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और कम क्रॉस सेक्शन वाले हैं तो उनको तो आप मैन्युअली भी निकाल सकते हो, और बड़े क्रॉस सेक्शन वो मैन्युअली पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए रॉप विंचेस और फिक्स जो रॉप्स हैं वो काम में लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की स्ट्रिंगिंग के लिए। तो जब भी आप ग्राउंड पे इसको स्पेंग आउट करते हैं तो जो खतरा है डिमेज होने का उसको आपको इसमें ध्यान रखना है, ताकि जैसे स्टोन है, बार्बर्ड वायर है, ये इनके कॉन्टेक्ट में आए तो उसको डिमेज कर सकते हैं। और जो ऑफ द ग्राउंड रहेगा तो उसके लिए तो पुली की सहायता से ये पर्टिकुलरली गाइडेड रहेंगे। जहाँ पे भी आपको जैसे रिवर ये क्रॉस करनी है, रोड क्रॉस करनी होती है, स्ट्रीट्स रोड या दूसरे ट्रैफिक लाइन से, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर जो रहते हैं वो आपको डिमेज से बचाने के लिए इस जगह का अरेंजमेंट इस पर क्या हो रहता है, सिंपल हॉर्सेस है वो यूज़ में होते हैं ताकि जो बिछाए हैं उस टाइम ये कोई भी तरह की नुकसान इसमें नहीं हो। फॉर पुलिंग बैक द स्टैंडर्ड कंडक्टर्स, इसके लिए ड्रॉप वाइसेस काम में ली जाती है इसमें। ये भी ऐसी काम में लेनी है कि ये कंडक्टर को डैमेज नहीं करें। तो चित्र में दो तरह के वाइस दिखा रखी है, पहले एक नंबर जो वाइस है ये एल्यूमिनियम कंडक्टर के लिए काम में ली जाती है, और ये दो नंबर की जो वाइस है वो कॉपर कंडक्टर के लिए काम में ली जाती है।
जब ये खींचा जाता है इस खम्भे के ऊपर, तो इस रंग का ये अरेंजमेंट रहता है। इसमें एक ये पोल है, एक नंबर पोल दिया हुआ, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर जिसको आपको खींचना होता है। देन ड्रॉप पुली है यहाँ पे, 3 नंबर ये पुली है यहाँ पे लगी हुई। फिर ये ड्रॉ वाइस हो जाएगी जो कंडक्टर्स हैं उसको ड्रॉ करने के लिए। फिर ये एक पुली है 5 नंबर, और 6 है वो एंकरेज है, इसको सॉलिड के साथ जो अर्थ है उसके साथ मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग वे में लगा रखा है इसको हमने। ये एक चित्र दिया हुआ जिस किस ढंग से इनको तारों को खींचा जाता है। जैसे ये वाला तार है ये ग्राउंड पे टच नहीं होने चाहिए यहाँ पे इस ढंग से, और ये यहाँ पे ट्रैक्टर या पुलिंग कोई मशीन है उसकी सहायता से इन कंडक्टर्स को खींचा जाता है। जो जो डिवाइसेस काम में आते हैं, कॉमन टूल्स काम में आते हैं स्ट्रिंगिंग ऑफ कंडक्टर्स तारों को खींचने के लिए, वो स्ट्रिंगिंग टूल्स के चित्र मैंने यहाँ पे बता रखे हैं आपको। पुलीज हैं, ऑटोमेटिक क्लैंप है, बोल्टेड टाइप क्लैंप है, चेन पुली ब्लॉक है, या हाइड्रोलिक कंप्रेसर मशीन है, और कंप्रेसर का डायसेट है, और इंजन की विंच मशीन है, 5 टन की कैपेसिटी का डीजल इंजन इसमें लगा हुआ है। ये वो एक डायग्राम से बता रखा है कि कैसे तारों को खींचा जाएगा। पहले चित्र में आ रखे ये वाला डायग्राम क्लैंप वाला, और ये मशीन है जो कि इसको पुलिंग की हुई रहती है। ये यहाँ पे क्रॉस आर्म है, डिस इंसुलेटर्स लगे हुए विथ क्लैंप लगा हुआ है यहाँ पे, और ये पोल्स हैं यहाँ पे, कंडक्टर्स है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, कंडक्टर्स रनिंग आउट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस ये तक आपको इसमें तारों को खींचना होता है। थैंक यू।